हाल ही में उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा जो है केबी रोड के व्यापारियों को एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया है। किस प्रकार का नोटिस है, किस तरीके की जो है इसमें नोटिस में बातचीत की जा रही है, उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नरेश जी हैं, टीओके के जो हैं ये व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जो नोटिस आया है आप लोगों को, व्यापारियों को जो कि केबी रोड में दिया गया है, किस प्रकार का नोटिस है और किस द्वारा दिया गया है? ये जो नोटिस है कुछ 40 से 50 दुकानदारों को दिया गया है, जो लगभग अशोकड़ा किस के सामने वाली लाइन से लेके फर्स्ट गेट तक। तो ऐसा पता चला है कि 40 से 50 दुकानों को नोटिस दिया गया है वार्ड ऑफिस की तरफ से, तो कि भाई आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है। तो वो दुकानदारों ने हमको बताया, तो दुकानदारों ने बताया कि हमने तो अपना रोड वाइडनिंग के टाइम, जब दिसंबर 2015 में रोड वाइडनिंग हो रही थी, उस टाइम हमने 25-25 फिट की लेंथ की शॉप एरिया हमने दी थी। उसके बाद हमको कंस्ट्रक्शन ग्राउंड प्लस टू जो कमिश्नर के कहने पे अलाउ की गई, किसी की तो पहले ही बनी हुई थी, तो जिसकी नहीं बनी हुई थी वो वहाँ वो टाइम पे आयुक्त ने ये परमिशन देके, ग्राउंड प्लस टू की परमिशन देके अलाउ किया था, और ग्राउंड प्लस टू लगभग सब ने बनाया है। पॉसिबल है किसी ने ग्राउंड प्लस टू बनाते समय हाइट ज़्यादा ले ली हो, तो शायद वे जो रेलवे की लाइन वहाँ पे आ रही है उन शॉपकीपर्स के ये शॉप्स के ऊपर, पॉसिबल है उसका डिस्टेंस कम हो गया हो, वो सब ये एक मतलब इन्वेस्टिगेशन का इशू है, इन्वेस्टिगेशन की बात है। अगर वो सब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ऐसा कुछ है जो रेलवे वालों ने ये आयुक्त को बोला गया है, कॉरपोरेशन को बोला है कि भाई उनकी जो लाइन एक्टिव लाइन के आसपास वो उनकी कंस्ट्रक्शन आ रही है, ऐसा कुछ मैटर है 2-4 दुकानों का अगर, तो उनको हमारी एसोसिएशन की तरफ से बोला जाएगा कि वो उतना गैप रखे, उतना डिस्टेंस रखे वायर के लिए, क्योंकि वो उनकी भी सेफ्टी है उसमें, कि सेफ्टी तो पहले देखनी है। बाकी जो नोटिस में बताया गया है कि भाई ये इनका इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो मतलब हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि दिसंबर 2015 को ये रोड वाइंडिंग के टाइम ये सब दुकानदारों ने एग्री करके, हमने उनको ये कन्विंस करके सहकार दिया था कॉरपोरेशन को कि भाई हम अपनी दुकान की एरिया दे रहे, आधे से ज़्यादा दुकान दे दी गई, जबकि दुकानें 40-40, 50-50 साल पुरानी है, फिर भी हमने शहर के हित में वो अपना दुकान की जगह सबने दी, और वो टाइम पे रोड का काम हमने नहीं रुकने दिया। लेकिन बावजूद उसके ये कॉरपोरेशन के किसी रवैये से या स्टेट गवर्नमेंट का हो, कुछ लोग कोर्ट में गए हैं, कुछ हाथ उंगलियों पे गिने चुने लोग हैं जिनका वो अभी तक फैसला नहीं कर पाए, तो अभी तक ये रोड कंप्लीट भी नहीं हुआ है, जिसके कारण पूरा बिजनेस को भी डिस्टर्ब हो रहा है, अभी तक लोग सेटल भी नहीं हुए है, क्योंकि जैसे ये दिसंबर 2015 में ये हुआ, उसके बाद फिर नोटबंदी हुई, उसके बाद GST आई, उसके बाद कोरोना आ गई, ये सब देखने के बाद व्यापारियों की हालत खस्ता है, ये व्यापारी अभी ये सेटल भी नहीं हुए, ऊपर से ये उनका इनको नोटिस आ जाता है कि आपकी कंस्ट्रक्शन इलीगल है, ये हमें मंजूर नहीं है, ऐसा हम ये होने नहीं देंगे। हमने UTA हमारी जो ये संस्था है, अपर बॉडी है, उसमें ये बात उठाई हुई है, UTA अपनी लेवल पे लड़ाई लड़ रही है, और ये हम कॉरपोरेशन से बात करेंगे, ये गवर्नमेंट से बात करेंगे। उस टाइम भी ऐसा हुआ था जब 2015 में आयुक्त ने वहाँ वो समय के आयुक्त मनोहर हीरे जी ने परमिशन दी थी कि ग्राम प्लस टू बनाया जाए, उसके बाद जो दूसरे कमिश्नर आए मिस्टर निबालकर, फिर निबालकर बोल रहे थे कि आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो वो बात को लेके हमने UD मिनिस्टर, वो समय के UD मिनिस्टर रंजीत पाटिल जी के पास उनके चैम्बर में मीटिंग हुई थी, वहाँ पे पूरा डिस्कशन हुआ था, मैंने ही मुद्दा उठाया था, हमारी ज्योति बाबी ने हमको मुझे वहाँ पे भेजा था ये कल्याण बदलापुर रोड को, ये रोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैंने वहाँ पूरा मुद्दा उठाया, UD मिनिस्टर रंजीत पाटिल जी को पूरा समझाया, तब भी उन्होंने ये मिनिस्टर साहब ने निबालकर साहब को यही बताया कि आप बोल रहे हो इलीगल है, ये हिसाब से इनका इलीगल नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी इनका रेगुलराइज किया जाए, ये प्रोसेस देखा जाए कि भाई इनका रेगुलराइज कैसे करें जिसमें इनका भी प्रॉब्लम सॉल्व होवे और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिले। वो निबालकर साहब ने वो बात की नहीं, जो दुकान पेंडिंग है उनका इशू सुलटाया नहीं, और ये अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर अभी जो हमारे CM साहब बने एकनाथ शिंदे जी, वहाँ तक हमारी बात गई हुई है, अभी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि भाई ऐसा कुछ ये रेजोल्यूशन आने वाला है जिससे ये सब प्रॉपर्टीज़ रेगुलराइज हो जाएगी, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ऊपर से ये जो इनका सर्कुलर आ रहा है, इनका जो नोटिस आ रहा है, वो मतलब
मान्य नहीं है।